आपके मुनाशे तो दोस्तों आज हम आए हैं गोपाल स्वीट्स पे और आप एम्बियंस इनका देख सकते हो, मतलब बहुत बड़ी फ्लोर है इनकी और आप एम्बियंस देख सकते हो, क्या लग्जरी एम्बियंस है, फुल मज़ेदार। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें इनकी ऑर्डर भी करा ली हैं और हमने पानी पूरी देखी थी कि इनके पास पानी पूरी है तो ये इन्होंने ऐसे पैकेट में दी है। और आपको स्टार्टिंग में हमने दिखाया होगा एक चीज़ वाइब्रेट कर रही थी, तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस का सिस्टम है, ये आपको दे देते हैं कि आप टेबल पे लेके जाओ और जब वो वाइब्रेट हो तो आपको अपना खाना लेने जाना है। सही लग रहा है ये पैक्ड है, तो इन लोगों ने इसका मतलब हाइजीन पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया है कि मतलब ना बिल्कुल भी कोई चीज़ टच ना हो। तो जो इनकी सबसे स्पेशल चीज़ है वो है यहाँ की पालक पत्ता चाट, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इनका इसमें भी पालक लगी हुई है और आपको ऐसे भी दिखा देते हैं क्या मस्त डेकोरेशन इन्होंने कर रखी है, आप डेकोरेशन देख सकते हो, हरी चटनी है ऊपर और डेकोरेशन पूरी भर के। तो भाई मैंने ले लिया पालक पत्ता चाट और वो है सिंपल चाट, तो जो स्पेशल चीज़ है वो पहले ट्राई करनी चाहिए ना। भाई बहुत क्रंची, पालक का माइल्ड सा फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत टेस्ट लगता है, और जो इनकी मीठी चटनी है इस पर वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रही है। ये एक और खा के देखो, पालक इतनी कुरकुरी थी ना, मज़ा ही आ गया खा के। अब ये खा के देखते हैं, आपको साउंड आ गई होगी, ये चीज़ बहुत कुरकुरी है और इसके ऊपर जो चटनी ग्रीन वाली भी बहुत टेस्टी है। अच्छी वाला मिर्ची नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, बहुत ग्रीन वाली जो इनकी चटनी है उसमें मिर्च नहीं है, जैसे पुदीने की चटनी होती है नॉर्मल वही है। तो हमारी ना मम्मी साइड पे बैठी है, उनको चाट उनकी फेवरेट आइटम है, तो हम ये उधर दे देते हैं। हमारे पास है नॉर्मल पापड़ी चाट, हम इसको ट्राई करके देखते हैं। इसकी भी डेकोरेशन आप देख सकते हो क्या खतरनाक डेकोरेशन है, कितनी बड़ी पापड़ी सीधी चम्मच में। मैंने साइड से उठा लिया था, मेन पीस वाला बीच में जो पीस होता है ना वो उठाते हैं, तो साइड से उठा जाए बीच में से भर के दे रखी है। हाँ ये बात तो सही है, और गार्निशिंग पूरी प्रॉपर है एकदम बढ़िया, और ये पीस खा लेते हैं और साउंड आपको पता चली कितना क्रंची है। तो इनकी पालक पत्ता चाट खाई थी ना, उसका प्राइस है 150 और जो ये है नॉर्मल चाट इसका प्राइस है 120। तो ये दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है ना देखने में, ये है हमारी पाव भाजी। अरे वाह, पाव आप देख सकते हो फुल बटर से भरा पड़ा है, अब इसको यार खा ही लेते हैं। पाव का साइज़ थोड़ा सा मेरे को छोटा लगा, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रीट पे अगर हम खाते हैं तो पाव का साइज़ बड़ा होता है, ये मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा उस साइज़ से, बट कोई बात नहीं, टेस्ट मैटर करता है यार। साथ तो भाजी देख, साथ में इन्होंने हमें सैलड दे रखा है और भाजी भी यार क्या देखो मस्त भाजी लग रही है, गार्निशिंग प्रॉपर हो रखी है, फुल बटरी लग रही है यार। वाह क्या भाजी है यार, मैं तो खा के पता लगेगा कैसी है। पहले मैं यही खा लूं, पहले यही खाते हैं यार, देखने में भी एकदम लाजवाब लग रही है। तो भाई वाह, पूरी मक्खन मार के भाजी है, अमर मक्खन मार के भाई, मक्खन मार के इतना मक्खन है, साथ में रखते थोड़ा सा प्याज, ये इसका टिपिकल पाव भाजी। मैं भाई साहब ऐसे खाना पसंद करता हूँ, जितने भी ऐसे वाले खाने होते हैं ना मेरे को ऐसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो भाई ये अब खा लो। तो भाई ये अपने गोलगप्पे पूरे पैक दो रखे हैं, इसका प्राइस कितना? ये 65 रुपीज़ के हैं गोलगप्पे, और 65 रुपीज़ में इन्होंने हमें 6 पीसीज दिए हैं, और इसको पैकेट को हम फाड़ लेते हैं। ये इनके साथ ना दो तरह का हमें पानी मिला है, मीठा वाला और ये खट्टा वाला, जो बेसिक पानी मिलता ही होता है मीठा वाला और खट्टा वाला। 65 में 1 2 3 4 5 6 गोलगप्पे, और इन्होंने ये दे रखा है हमें जो इसके अंदर फिलिंग होती है आलू की। तो भाई क्रंची है यार, गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, और मेरे को तो भाई ऐसे भरे हुए बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा भरने में ना मुश्किल हो रही है, बट इसमें चने हैं, आलू हैं और मसाले वाले आलू दिख रहा होगा, लाल मिर्च काफ़ी तेज तो खट्टा वाला पानी दे। ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल गोलगप्पा तैयार। पानी तो भाई काफ़ी टाइम से बड़ा था तो मैं सोच रहा हूँ एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना पानी ठीक रहे। वार्निंग कि कल्ले मत पीना खट्टे वाला पानी, गले में लगेगा, मिक्स करके पीना। वैसे तो जिन लोगों को आदत है वो तो चलो जो मर्जी करो, बट जो लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव है ना प्लीज़ मिक्स करके पीना। बच गया भाई, मैं तो अभी खट्टा पूरा पीने वाला था, शुक्र है वार्निंग मिल गई, अब तुमने मिक्स करके पीएंगे, बट मिक्स करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए प्लेट में ही कर लेना। ये आया भाई अपना
हरा, अरे मेरे को डालने दे रहे, तू ले ले चल। हरा पानी आया और ये आ गया भाई दूसरा, तो ये भाई लीक होना शुरू हो गया, अब इसको जल्दी निकाल लेते हैं। ये हमारा मीठा वाला आ गया, अब पानी तो भाई पूरा चल रहा है और वार्निंग सही निकली। अभी मैंने मीठा मिक्स किया था तब भी खट्टे का पता चल रहा था कि पानी खट्टा था, ये मतलब बहुत ज़्यादा। तो भाई गोलगप्पे का साइज़ आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा साइज़ है जो नॉर्मल स्ट्रीट पे मिलता है उसके हिसाब से। और मेरे को तो यार बहुत ही सही लगे, क्रंची थे, पानी जो थे बहुत टेस्टी, दोनों पूरे चिल्ड इन्होंने दोनों पानी दे रखे थे। 65 में हाइजीनिक आए और 10/10 रेटिंग मिलती है भाई इसको, तो इसके अंदर मिले तो पता चल जाता हाइजीनिक है। तो भाई अब आपने क्या करना है, आपने करना हमारा वीडियो लाइक शेयर और कमेंट भी नीचे करना कि हम और कौन सी आइटम्स ट्राई करें। इनके पास बहुत सारी आइटम्स है, भरा पड़ा मेन्यू भाई इनका, क्या एम्बियंस इन्होंने दिया, बिल्कुल मतलब ख़तरनाक से एम्बियंस है, खाने का टेस्ट बढ़िया है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि जो हमारे ऐसे अलग अलग वीडियोज़ है ना खाने के लिए, चाहे स्ट्रीट पर हो चाहे ऐसे होटल्स के अंदर हो, तो आपको मिल जाए जल्दी जल्दी। बेल आइकन भी दबा देना, लाइक कर दो फटाफट। चाओ।